उम्मीद है आप इस वक्त इंडिपेंडेंस डे की खुमारी में होंगे, लेकिन इस आज़ादी में आपने क्या किया? आपका तो एक बूंद रक्त नहीं बहा, आपको तो जरा भी तकलीफ नहीं झेलनी पड़ी। जो तकलीफ झेली वो हमारे पूर्वजों ने झेली, और हम में से 90% लोगों को थाली में सजा के आज़ादी मिल गई। तो अब क्या करें, बैठ के अपने एसी रूम्स में सिस्टम को कोसते रहें, या आज आप कुछ पार्टी कर लेंगे, किसी मॉल में चले जाएंगे, कोई मूवी देख लेंगे, घर वाले या फ्रेंड्स के साथ टाइम बिता लेंगे, गेट टुगेदर कर लेंगे। यदि ये करेंगे तो ये सच्चा स्वतंत्रता दिवस नहीं है। तो आज यदि आपको भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहलाना है, तो भले आप अंग्रेजों से जंग ना लड़ें, आप अपने आप से जंग लड़ लें, क्योंकि यदि आप ग्रो कर लेंगे तो यही देश को आपका कंट्रीब्यूशन होगा। तो आपको आज आज़ाद होना है। किस चीज से आज़ाद होना है आपको? आपको आज़ाद होना है अपने आलस्य से, क्योंकि ये आपका सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा। आपको आज़ाद होना है अपने कमजोर बहानों से, क्योंकि आपके बहानों ने आपको रोक रखा है। आप इसकी वजह से जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे हैं। कभी आप गांव का, कभी शहर का, कभी भाषा का, कभी संपन्नता का, कभी माता पिता का, कभी कहां जन्म हुआ, कैसे जन्म हुआ, हजारों बहाने लाद के घूम रहे हैं। ये बहानों की बेड़ियों को उतार फेंकिए और आज़ाद हो जाइए। आज आपको आज़ाद होना है अपने गॉसिप से, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है जिसने किसी को कोई फायदा नहीं दिया और जिसने हर घर को बर्बाद किया है। आपको आज़ाद होना है इस क्षणिक आनंद से, गॉसिप के क्षणिक आनंद से। आज आपको आज़ाद होना है अपनी कमजोर संगत से, क्योंकि आप अपनी टीम, अपने साथ के लोगों के एवरेज से ज़्यादा कुछ नहीं है। यदि आपकी संगत कमजोर होगी तो आप कभी भी ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाएंगे। आप एक दिल्ली जाने वाली गाड़ी में चढ़कर कितना भी चिल्ला लें, मुंबई मुंबई मुंबई, आप मुंबई नहीं पहुंचेंगे, आप दिल्ली जाएंगे, क्योंकि वो गाड़ी दिल्ली जा रही है। ठीक इसी तरीके से जैसे आपके साथी हैं, वही आपका व्हीकल है, वही आपका टूल है, उन्हीं के जैसे आप बनेंगे। तो आज आज़ाद होइए अपनी कमजोर संगत से, आज आज़ाद होइए अपने छोटे सपनों से। इंडिया में पैदा होके, दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाले देश में पैदा होके, जिसको सारी दुनिया अपने मार्केट के रूप में देख रही है, वहाँ बैठ के यदि आप छोटा सपना रखेंगे तो यह अपराध है। अपने छोटे सपने से आज़ाद होइए, अपनी छोटी सोच से आज़ाद होइए। बड़ा सोचिए, तेज सोचिए, फ्यूचर सोचिए, आज़ाद होना जरूरी है। आज़ाद होइए अपने कम्फर्ट जोन से, क्योंकि ये दुनिया का सबसे खराब एड्रेस है। यहाँ रहना मतलब मौत है। आज़ाद होइए अपनी हीन भावनाओं से, क्योंकि जब आप हीनता को स्वीकार नहीं करते, आप उससे लड़ने का निर्णय ले लेते हैं, तो आप अपनी हर बाधा को हरा सकते हैं। आज़ाद होइए किन लोगों ने मेरे बारे में क्या कहा, क्योंकि क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा रोग। दुनिया में 99% लोग अपने पैशन को, अपनी मंजिलों को इसलिए नहीं पाते क्योंकि उनको डर लगता है लोग क्या कहेंगे यदि मैं असफल हो गया। तो आज़ाद हो जाइए अपनी असफलताओं के बोझ से। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, अनेक बार असफल हुआ हूँ, तब आज जाके लाखों करोड़ों लोग मेरी बात सुन रहे हैं। याद रखिए, यदि कोई ये कह दे कि वो असफल नहीं हुआ, तो उसका साथ तुरंत छोड़ देना, क्योंकि इसका यह मतलब है उसने कभी कोई प्रयास नहीं किया। मेरे दोस्त, आप और मैं दोनों इतने भाग्यशाली तो नहीं हैं कि वापस से जाके आज़ादी की जंग लड़ सकें, लेकिन हम इतने भाग्यशाली हैं कि हम अपनी जगह पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी करके, एक्सेप्शनल करके, इस देश को बड़ा बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। आज़ाद हो जाइए, और अंत में आज़ाद हो जाइए अपने उस हर अनजाने भय से, फियर ऑफ अननोन से, जिसने टैलेंट होते हुए भी आपको रोक के रखा है। आज़ाद हो जाइए। साथियों, आज का दिन कोई पार्टी नहीं, आज का दिन कोई फन नहीं, एक डीप इंट्रोस्पेक्शन का टाइम। अकेले बैठिए, एकांत में बैठिए, सोचिए क्या चीज़ें मुझे रोक रही है, कौन सी आदतें मेरी सफलता की राह में बाधा है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मुझे बड़ा नहीं बनने दे रहे हैं, और इनको मैं कैसे हरा सकता हूँ। उम्मीद के सहारे सोचिए, पॉसिबिलिटी थिंकिंग के सहारे सोचिए। हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों को मार के भगाया था, हमको हमारे भीतर की कमजोरी को मार के भगाना है। ये स्वतंत्रता दिवस ऐसा मनाइए कि ये साल ऐसा बीते कि जीवन में ऐसा कोई साल पहले कभी ना आया हो। 15 अगस्त की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे भारतीय होने पे गर्व है, और आपको भी भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। मैं आपका दोस्त, साथी, बिजनेस कोच
डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी, 15 अगस्त के दोनों हाथ जोड़ के आपको शुभकामनाएं देता हूं। और एक भारतीय होने के नाते भले इस वक्त आप मेरे सामने नहीं हैं, लेकिन आपको गले लगाने के लिए, हक करने के लिए मैं अपने दोनों हाथ बढ़ाता हूं। शुक्रिया। मैं तैयार।